पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से लगभग 41 मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। धार पुलिस कप्तान ने टीम को 50,000 की इनाम राशि देने की बात कही। वहीं पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी सहित पुलिस के जवान दिलीप यादव को खास तौर पर बधाई दी, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने में मुख्य भूमिका रही। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धार पुलिस कप्तान ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक के दौरान मोटरसाइकिल की बढ़ती चोरी पर मंथन और चोर गिरोह की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। वहीं 81 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने न्यायालय से आरोपियों की रिमांड की मांग की है। पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। इस सफलता के साथ आप सबसे बच्चे और उद्योग होने का मौका मिला। इसके पहले व्यक्तिगत और उसमें मुलाकात है। इसके लिए भी CSP पीथमपुर, TI थाना प्रभारी चक्कर सभी लोग आज तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, और लगभग इतनी बड़ी मात्रा में बाइक बरामद की गई है, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। क्या मामला है? देखिए, IG साहब की समीक्षा में यह बात आई थी कि वाहन चोरों का गैंग को ट्रेस करना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़िले में जितनी वाहन चोरियां होती थी उसकी अपेक्षा हमारी बाग में कम थी। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीथमपुर संभाग में CSP पीथमपुर तरुण बघेल के लीडरशिप में हमने एक टीम की गठन किया था कि वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए पतराशी करके उन पर दस्तावेज़ी की जाए। उसी के पालन में CSP पीथमपुर की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके एक गैंग को ट्रेस किया है, जिस गैंग के 4 मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता हासिल करी है, जिसमें 2 बाग थाने के, 1 गंधवानी थाने के, 1 अलीराजपुर जिले का कठीवाड़ा का है और 1 रवि फरार है। इस पूरी टीम से, चोरों की टीम से, हम लोगों ने 81 वाहन बरामद करने में सफलता हासिल करी है। जो वाहन बरामद हुआ है उसमें अधिकांश वाहन धार जिले की, कुछ इंदौर की, कुछ खरगोन की, कुछ झाबुआ की, कुछ अलीराजपुर की भी है। इन चोरों का जो गैंग है इनको हम पुलिस रिमांड भी ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूछताछ में से और अधिक वाहन बरामद होंगे। इस प्रकार CSP पीथमपुर की पूरी टीम ने TI बगदून समीर पाटीदार, सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया, आरक्षक दिलीप जिसका काफ़ी अहम रोल है, और पूरी थाने की सभी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करके कि ऐसे वाहन चोरों का गैंग ट्रेस किया है, जिसे 81 वाहन जब्त हुए हैं। इसका पुलिस रिमांड लेकर के हम और अधिक दस्तावेज का प्रयास करेंगे। कीमत कितनी है लगभग? पूरे वाहन की कीमत लगभग 50,000 है, 50 लाख, लगभग 50 लाख है। और मुझे उम्मीद है कि जब पुलिस रिमांड हम लोग लेंगे, पूछताछ होगी, और अधिक बरामद होने का उम्मीद है। सर, ये जो अपराधी पकड़ाए हैं इन पर और भी कई मामले दर्ज हैं? हाँ, ये जो भी चोर पकड़ाए हैं इनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने खंगाला है। इनके खिलाफ है अलीराजपुर जिले में भी, धार थाने के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, इंदौर ग्रामीण, इंदौर शहर, वहाँ भी अपराध पंजीबद्ध है। सबका रिकॉर्ड हम लोग बुला रहे हैं और जहाँ जहाँ वाहन चोरी के FIR हुए हैं उसकी भी जानकारी हम लोग बुला रहे हैं, और पूछताछ करके इनसे और बरामद करने का हम लोग काफ़ी प्रयास करेंगे। सर, जिस क्षेत्र में वारदातों को अंजाम देते थे वहाँ लोकल क्षेत्र में भी उनको लोकल किसी व्यक्ति की मदद? नहीं, देखिए, ये जो जहाँ के रहने वाले हैं ये लोग निश्चित तौर पे वहाँ वारदात कर दूर दूर जाते हैं। इनका एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। जिस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लोग तो आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं। मेरे पास कई SPs के फ़ोन आते हैं दूर दूर के कि ये लोग अहमदाबाद, मदुरई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।